आज हम बात करने वाले हैं कैसे इंट्राडे में 1,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज की वीडियो बिगनर्स के लिए एक आई ओपनर होने वाली है, मार्केट को देखने का सोचने का नजरिया बदल देगी और जो लोग रोज लॉस कर रहे हैं उन्हें वापस मौका मिलेगा मार्केट से लॉस रिकवर करने का। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, अगर फ्री हो, शांति में हो, तभी वीडियो देखें और पूरे ध्यान से देखें, एक एक बात को समझें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। कोशिश है कुछ नया देने की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रात के 8:30 बजे के शो से दोस्ती कर लें, जहाँ मिलेगा कुछ ट्रेड जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो। और अगर परेशान हो कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ मिलती है, तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फ़ायदा ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप 1,000 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपके पास 1,000 रुपए थे, यानी लॉस की बात पहले सोच लीजिए। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले लॉस करना सीखना पड़ेगा, प्रॉफिट करना खुद ब खुद आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रिस्क कभी सोचते ही नहीं हैं और हमेशा प्रॉफिट सोचते हैं, जिससे सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। यहां तो प्रॉब्लम यह है कि 1,000 रुपया लगाया नहीं कि पहला सवाल होता है कितना कमाएंगे, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, यह दूसरा सवाल होता है। अरे भाई, इतना सोचते हो तो मार्केट आपके लिए नहीं है, और जब 1,000 रुपए का भी रिस्क नहीं ले सकते हो तब तो मार्केट और भी आपके लिए नहीं है। इसलिए मैं स्टार्ट में ही बोल रहा हूं कि 1,000 रुपए जो लगाए हैं उसको ये सोचिए कि जीरो हो जाएगा और खुशी खुशी लगाइए, तो आप रिस्क फ्री मजा ले पाएंगे। मजा वर्ड यूज कर रहा हूं ये जान लीजिएगा, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है। तो चलिए, आप अपने 1,000 रुपए लगा दिए, अब आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पर, अर्निंग पर नहीं, क्योंकि लर्निंग हुई तो अर्निंग आएगी। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जहां सरस्वती माता होती है वहां लक्ष्मी माता खुद ब खुद आ जाती है। ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। तो अगर आप सिर्फ अर्निंग के बारे में सोचेंगे कि आपका प्रॉफिट रहेगा तभी आप मार्केट में रहेंगे, वरना आप मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, तो ऐसा आप कभी स्टॉक मार्केट में मत सोचिए, वरना आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस मिलती है तो फेल्योर भी मिलता है। इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मंथ में 20 डेज का ट्रेडिंग सेशन होता है, 20 दिन में एग्जांपल के लिए आपने 40 ट्रेड किए, 30 ट्रेड प्रॉफिट में, 10 ट्रेड लॉस में, इसके बाद रिजल्ट सिर्फ प्रॉफिट होगा, यानी एक फाइनल बैलेंस शीट। ये है रियल सच, बट कोई भी इस रियल सच को नहीं मानते हैं। बट बिगनर से रिक्वेस्ट करूंगा, आज से ही इस रियल सच को मानना शुरू कर दीजिए, प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस को जब आप करते हैं तो क्या होता है कि एग्जांपल के लिए हम लोग मंथली बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सेम है ट्रेडिंग की मंथली बैलेंस शीट बननी चाहिए कि आपने एक मंथ में कितना ट्रेड किया, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, उसका फाइनल बैलेंस शीट क्या आया, जो मैंने एग्जांपल के साथ 40-30 का जो आपको एग्जांपल करके बताया। अब आता है इस 1,000 रुपए से कैसे करें। तो आपके पास जो 1,000 का अमाउंट है उसको धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में करें, एक साथ नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका भी लॉजिक है और रीजन है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो नए लोगों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की और कमाने की। अगर आप 1,000 रुपए से इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो समझ लीजिए कि शुरुआत में ही आपको लॉस हो गया तो आपका हौसला वहीं ख़त्म, और 1,000 में 200 भी गए ना तो आपका हौसला ख़त्म, यही तो होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सारा अमाउंट एक साथ नहीं करना है, बल्कि उसे टुकड़ों में करना है। कैसे, उसको समझिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने कहा 1,000 रुपए से शुरुआत करते हैं, करेक्ट है, अब उसको 5 टुकड़ों में बांट लीजिए, यानी 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये, यानी 5 बार आप ट्रेड कर रहे हैं। अब 5 बार ट्रेड करने का मतलब है 5 बिग लर्निंग आपके पॉकेट में आने वाली है विद मिनिमम रिस्क, करेक्ट है। अब आप जितनी गलती शुरुआत में करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और वो गलतियाँ आप दोबारा नहीं करेंगे, राइट है। तो आपके पास 5 बार इंट्राडे ट्रेडिंग का मौका रहा, करेक्ट। अब जब आप 200 रुपये से शुरुआत किए, 800 रुपये आपने क्या किया, अलग किया, तो चलिए मंडे से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मंडे से आपने 200 रुपये में किया, और आपका फोकस होना चाहिए कि हम 200 को 210 बनाएं, 220 बनाएं, 230 बनाएं या 250 बनाएं,
सिंपल। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली 1,000 रुपया आपने लगाया और वो 1,000 रुपये घट के 600-700 भी हुआ, गया हौसला, ये हम तो डूब गए, हमारा 300 रुपया डूब गया, करेक्ट, अब हम नहीं करेगा, यही तो सोचते हैं, उसके बाद आपका पूरा एक्साइटमेंट ख़त्म। लेकिन 200 रुपये में करते हैं तो एक तो 200 में बहुत छोटी रकम, उसके बाद भी आपके पास 800 रुपये बच रहे हैं, 200 रुपये में भी आप 210-220 का टारगेट लेके चल रहे हैं, एकदम छोटा 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 स्टेप, बेबी स्टेप, और वो मजबूती वाला है। अब यहाँ पे से 200 रुपया बढ़ता है या जीरो हो जाता है, अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट है, घटता है तो लॉस है, और वहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। अगर आपका 200 रुपया जीरो होता है तो आपको सीखने को मिलता है, यानी आपके पास 4 और मौके। और स्टार्ट में हर एक बिगिनर को इसी तरीके से शुरुआत में फोकस करना चाहिए। आप कितने भी वीडियो देख लिए हो, कितने भी किताबें पढ़ लिए हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान में लड़ाई करने उतरते हो ना, तब रियल एक्सपीरियंस होता है कि ये क्या गेम चल रहा है। आपने स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना ज़रूरी है सुना ही होगा, और जब तक 200 भी करके कर रहे हो, वहाँ पे भी जब रियल ट्रेड करोगे ना, तो आपको आपके पेशेंस लेवल का, दिल के धक धक की कहानी पता चलेगी। आपको न जाने कितनी अनगिनत चीज़ें सीखने को मिलेंगी सिर्फ उस 200 रुपए से, और जितनी ज़्यादा गलती उतना ज़्यादा सीख, और आपका बेस हो जाएगा स्ट्रांग। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी इंस्टॉलमेंट में कीजिए। अब अगर हम ये कहें कि ये 5 बार जब आप 200 रुपए से ट्रेड करोगे तो पता है आप क्या सीखोगे, तो पहला मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला 200 रुपए आपको सिखाएगा स्टॉक सिलेक्शन कितना ज़रूरी है, दूसरा 200 रुपए आपको सिखाएगा स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी है, तीसरा 200 रुपया सिखाएगा प्रॉफिट बुकिंग कितनी ज़रूरी है, चौथा 200 रुपया सिखाएगा पेनी स्टॉक ना करें, पांचवा बताएगा भाई जैसे बिजनेस को सीख के करते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट को सीख के करो वरना पैसे डूब जाएंगे। जबकि दूसरे लोगों को ये बातें लाखों करोड़ों डुबाने के बाद पता चलती है, आप सिर्फ 1,000 रुपये के जादू में सीख कर एक अलग दुनिया में एंट्री करोगे। और इसी के साथ आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, ये तो मैंने मोटा मोटा आपको बात बताई, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है क्या क्या नया सीखने को मिल रहा है, क्या क्या गलती हो रही है, अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे हो, लॉस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसको नोट करते जाओ, इससे आपको चीज़ें आसान होंगी। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग जनरल, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं देखी है, ऐसे काफ़ी लोगों ने देखी है, काफ़ी प्यार दिया है। उस ट्रेडिंग जनरल में इन चीज़ों को कैसे मेंशन किया जाता है वो मैंने आप लोगों को सिखाई है, आप उसको देखें, उस पर ये चीज़ें मेंशन करें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा। जितने भी बिगनर लोग हैं उनसे मेरी एकदम भाई वाली रिक्वेस्ट है, ये करके देखें। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर शुरुआत करें तो कौन से स्टॉक से करें, एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेने का, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है, आप उसमें निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक में करें, वहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और आपको मूवमेंट मिलेगा, टेंशन फ्री काम होगा, वॉल्यूम रहेगा, आप क्विकली एंट्री क्विकली एग्जिट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आप पेपर में, जितनी भी बातें मैंने कही इसको पेपर में करके देखो। तो भाई वाली एडवाइस, भाई वाली बात पसंद आई हो तो सारे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर दिन मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हमें हर घर में ये बात पहुँचानी है कि सेकेंड अर्निंग ज़रूरी है, वहाँ पर हमारी माँ बहन सिस्टर सबको सीखना है, और आपको ये चीज़ें हर लोगों के साथ शेयर करनी कि देखो अपने फैमिली मेंबर के साथ कि तुमको स्टॉक मार्केट में आना है इस तरीके से करना है। तो जो एक छोटी सी मेरी कोशिश अगर 100 घर तक भी पहुंची तो वो 100 घर जरूर ही चिराग हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।